फोटोज खींचना हम में से कईयों का शौक हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो है जो एक आम फोटो और एक प्रोफेशनल फोटोज को अलग करता है, एक नजर या फिर एक नजरिया। ये तस्वीरें बोलती हैं कि इनके पीछे एक अलग सोच और दिल से मेहनत की गई है। सुशील एक ऐसे ही पैशनेट फोटोग्राफर है जो बचपन से ही इन फोटोज में अपनी दुनिया ढूंढते रहे हैं। सुशील कुमार जिनका बचपन फोटोग्राफी को देखते और सीखते ही बीता। सुशील के पिताजी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में फोटोग्राफ डिपार्टमेंट में थे। पिताजी की फोटोग्राफी को देखकर सुशील का मन भी करता था कि वो फोटोग्राफी करे, और उसके लिए उनके पिता उन्हें अपने काम में इन्वॉल्व भी करते थे। बचपन में मुझे याद है जब मैं थर्ड में फोर्थ स्टैंडर्ड में होता था, तो मैं उनको काम करते हुए देखता था डार्क रूम के अंदर, किस तरह से वो अपना केमिकल्स बनाते थे। डैडी के साथ मैं जाता था असाइनमेंट्स के लिए, तो मैं उनका हेल्प करता था कैमरा के साथ सेटिंग वेटिंग करना, अगर कोई लाइट्स वगैरह कहीं सेटअप करनी है, मॉडल शूट करना है, आर्किटेक्चरल मॉडल शूट करने हैं तो लाइट सेटअप करना, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैंने उनके साथ सीखी। उनकी जिंदगी में फोटोग्राफी को लेकर टर्निंग पॉइंट उस समय आया जब वो 10th क्लास में थे। उनकी टीचर ने क्लास में फोटोग्राफी पर उन्हें लेक्चर देने को कहा, और यही मौका था कि सुशील को अपने अंदर छिपे आर्टिस्ट को पहचानने में मदद मिली। फोटोग्राफी का टर्निंग पॉइंट जो था वो स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था, कि जब आप एक फोटोग्राफी एक सब्जेक्ट ले रहे हैं और उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के टाइम पे आपको कहा जाता है कि आप फोटोग्राफी पढ़ाइए, तो वो एक जो मोमेंट था मेरे लिए क्लास स्टूडेंट्स के साथ, मेरे कलीग्स के साथ जो था, वो क्लासमेट्स के साथ बहुत अच्छा मेरे को लगता था, कि मेरे से लोग आके पूछते थे कि सुशील ये कैसे होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, एंड मैं उनको आई यूज़ टू शो दोज फोटोग्राफ्स जो मैं शूट करके घर में लेके आता था, क्योंकि उन दिनों में कैमरा रखना हर एक के पास कैमरा नहीं होता था, ओनली प्रोफेशनल पीपल्स हैव हैड कैमरा एट दैट टाइम, और मेरे पास उस तक कैमरा होता था क्योंकि मैं डैडी का कैमरे से अपना शूट करते रहता था, और बच्चों के लिए उस वक्त ये था कि कैमरा उनके पास है नहीं, और वो जो मैं पिक्चर शूट करके उनको दिखलाता था उसको वो बहुत इन्जॉय करते थे, तो मेरे को दिमाग में यही था कि आगे जाके इस फोटोग्राफी को एज ए प्रोफेशन लेना है। सुशील ने अपनी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में जॉब तो जरूर की, लेकिन उनके मन में फोटोग्राफी का शौक कम नहीं हुआ। वो अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकालकर फोटोग्राफी किया करते थे। उनके मन में एक बात हमेशा खटकती थी कि वो अपनी फोटोग्राफी को पूरी तरह नहीं अपना पाए। सुशील का हौसला उस वक्त बढ़ा जब उन्होंने खुद की खींची कुछ तस्वीरों को हाल ही में दिल्ली में लगी एग्जीबिशन में लोगों के सामने पेश किया। यही वो एक पल था जब उन्हें महसूस हुआ कि आज 50 साल की उम्र में ही सही एक नया सफर शुरू कर पाए। मॉन्यूमेंट्स की एक फोटोग्राफी करने के लिए जब कॉमनवेल्थ गेम्स आए, हम देखते थे कि फॉरेनर्स जितने भी बाहर से लोग आ रहे हैं सब यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को सब शूट करके लेके जा रहे हैं, लेकिन एक लेमैन अगर किसी तरह से मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोग्राफी शूट करता है तो वो अपने नज़रिए से करता है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफी में रहा, और आर्किटेक्चरल फीचर्स भी हमारे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है आर्किटेक्चर के ऊपर, उनकी डिटेल्स पढ़ाई जाती हैं, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने मॉन्यूमेंट्स को आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको शूट किया। इसी तरह से मैंने जो दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स रात को शूट करने के लिए मैंने इसलिए चुना था कि दिल्ली में रात के टाइम आप कभी भी जा सकते हैं, कभी भी घर वापस आ सकते हैं, वेयर एज किसी और शहर में जाके या किसी और स्टेट में जाके आपको करना वो मुश्किल थोड़ा सा काम होता है, तो मुझे लगा कि पहले दिल्ली से शुरुआत की जाए, और दिल्ली के मैंने मॉन्यूमेंट फोटोग्राफी रात के टाइम की, जो कि बहुत लोगों ने सराहा उसको, मेरी जो एग्जीबिशन लगी थी, और मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी कि अब आप लोग थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाइए एग्जीबिशन को, और इस पे और काम कीजिए।
उनका विश्वास और अपने काम के लिए लगन ही है जो आज उनका पूरा परिवार उनके नए सफर में उनका भागीदार बना है। उनकी बेटी श्रुति अपने पिता के बढ़ाए कदम में उनका साथ निभाने के लिए तैयार है। Since childhood, I've been like watching him do his work. मुझे उनका फोटोग्राफी का काम हमेशा से पसंद था और मैं खुद भी फोटोग्राफर बनना चाहती थी, बट मैं आर्ट में भी अच्छी हूँ तो मैंने अपने आप को मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और पापा और मैंने प्लान किया है कि हम लोग एक एग्जीबिशन लगाएंगे अपना, जिसमें पापा का फोटोग्राफी का वर्क होगा और मेरा आर्ट का वर्क। अपने जिंदगी की आधी पारी पूरी कर चुके सुशील के मन में काम के लिए आज एक नई उमंग है। सुशील तैयार है अपनी जिंदगी का नया सफर तय करने के लिए। उनका मानना है कि वो खुद को उस मुकाम तक जरूर ले जाएंगे जहां वो पहुंचना चाहते हैं। अभी हमारा हिंदुस्तान जो है एक प्रोग्रेसिंग कंट्री है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे होती हैं। आप सिर्फ वहाँ पे बंद के मत बैठिए, अगर आपको कहीं से थोड़ी बहुत भी सपोर्ट मिलती है कुछ होती है तो आप अपने आप को बिल्कुल बाहर लेके आइए और अपने काम को दिखाइए लोगों को। जो कि मैंने फर्स्ट अपनी जब एग्जीबिशन की तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने अगर ये कुछ साल पहले कर दिया होता तो और अच्छा रहता, मैं इतना समय बर्बाद नहीं करता। तो सोसाइटी को मैं अपने साथियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं उसको कर दीजिए, उसको डिले मत कीजिए।